भी रामायण महाभारत में इंटरेस्ट है ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पर हमने बात किया था भीष्म जी का युधिष्ठिर को राजनीति दंड नीति के बारे में ज्ञान देना। सभी पांडव श्री कृष्ण भीष्म जी के पास जब गए थे बाणों के संयम पर सोए हुए उस समय, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, शुरुआत से देखिएगा या पिछला वीडियो देखिएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है राजा के प्रधान कर्तव्य का तथा दंड नीति के द्वारा युगों के निर्माण का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह राजा के द्वारा विशेष रूप से पालन करने योग्य और कौन सा कार्य शेष है? उसे गांवों की रक्षा कैसे करनी चाहिए और शत्रु को किस प्रकार जीतना चाहिए? राजा गुप्तचर की नियुक्ति कैसे करे? सब वर्णों के मन में किस प्रकार विश्वास उत्पन्न करे? भारत वो भृत्य स्त्रियों और पुत्रों को भी कैसे कार्य में लगाए तथा उनके मन में भी किस तरह विश्वास पैदा करे? भीष्म जी ने कहा, महाराज, क्षत्रिय राजा अथवा राजकार्य करने वाले अन्य पुरुष को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वो सारा राजकीय आचार व्यवहार सावधान होकर सुनो। राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस राजा ने अपने मन को नहीं जीता वो शत्रु पर विजय कैसे पा सकता है? श्रोत्र आदि पांचों इंद्रियों को वश में रखना, यही मन पर विजय पाना है। जितेंद्रिय नरेश अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है। कुरुनंदन, राजा को किलों में राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना रखनी चाहिए। नरसिंह, इस प्रकार सभी पड़ावों पर बड़े बड़े गांवों और नगरों में अंतपुर में तथा राजमहल के आसपास भी रक्षक सैनिकों की नियुक्ति करनी चाहिए। तदनंतर जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली गई हो, जो बुद्धिमान होने पर भी देखने में गूंगे अंधे और बहरे से जान पड़ते हो तथा जो भूख प्यास और परिश्रम सहने की शक्ति रखते हो, ऐसे लोगों को ही गुप्तचर बनाकर आवश्यक कार्य में नियुक्त करना चाहिए। महाराज, राजा एकाग्रचित हो, सब मंत्रियों नाना प्रकार के मित्रों तथा पुत्रों पर भी गुप्तचर नियुक्त करें। नगर जनपद तथा मल्ल लोग जहाँ व्यायाम करते हो, उन स्थानों में ऐसी युक्ति से गुप्तचर नियुक्त करनी चाहिए जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को पहचान न सके। बस शेष राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा बाजारों, लोगों के घूमने फिरने के स्थानों, सामाजिक उत्सवों, भिक्षुकों के समुदाय, बगीचों, उद्यानों, विद्वानों की सभाओं, विभिन्न प्रांतों, चौराहों, सभाओं और धर्मशालाओं में शत्रुओं के भेजे हुए गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कूटनीति और राजनीति सिखा रहे हैं, पिछले सारे वीडियो में भी बताया था। पांडुनंदन, इस प्रकार बुद्धिमान राजा शत्रु के गुप्तचर का लेता रहे। यदि उसने शत्रु के जासूस का पहले ही पता लगा लिया हो तो उससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष स्वयं ही निर्बल जान पड़े तो मंत्रियों से सलाह लेकर बलवान शत्रु के साथ संधि कर ले। पृथ्वीपते, विद्वान क्षत्रिय, वैश्य तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण यदि दंड नीति के ज्ञान में निपुण हो तो इन्हें मंत्री बनाना चाहिए। पहले नीति शास्त्र का तत्व जानने वाले विद्वान ब्राह्मण से किसी कार्य के लिए सलाह पूछनी चाहिए। इसके बाद पृथ्वीपालक नरेश को चाहिए कि वो नीतिज्ञ क्षत्रियों से अभिष्ट कार्य के विषयों में पूछे। तदनंतर अपने हित में लगे रहने वाले शास्त्रोक्त वैश्यों और शूद्रों से सलाह ले। अपनी हीनता या निर्बलता का पता शत्रु को लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। यदि इस संधि के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा हो तो विद्वान एवं बुद्धिमान राजा को इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। जो गुणवान, महा उत्साही, धर्मज्ञ और साधु पुरुष हो, उन्हें सहयोगी बनाकर धर्मपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करने वाला नरेश बलवान राजाओं के साथ संधि स्थापित करें। यदि ये पता लग जाए कि कोई हमारा उच्छेद कर रहा है तो परम बुद्धिमान राजा पहले के अपकारियों को तथा जनता के साथ द्वेष रखने वालों को भी सर्वथा नष्ट कर दे। जो राजा ना तो उपकार कर सकता हो और ना अपकार कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना भी
उचित नहीं प्रतीत होता हो उस राजा की अपेक्षा कर देनी चाहिए। यदि शत्रु पर चढ़ाई करने की इच्छा हो तो पहले उसके बलाबल के बारे में अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए। यदि वह मित्रहीन सहायकों और बंधुओं से रहित दूसरों के साथ युद्ध में लगा हुआ प्रमाद में पड़ा हुआ तथा दुर्बल जान पड़े और इधर अपनी सैनिक शक्ति प्रबल हो तो युद्ध निपुण सुख के साधनों से संपन्न एवं वीर राजा को उचित है कि अपनी सेना को यात्रा के लिए आज्ञा दे दे। पहले अपनी राजधानी की रक्षा का प्रबंध करके शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। बल और पराक्रम से हीन राजा भी जो अपने से अत्यंत शक्तिशाली नरेश हो उसके अधीन न रहे, उसे चाहिए कि गुप्तचर से प्रबल शत्रु को छीन करने का प्रयत्न करता रहे। वो शस्त्रों के प्रहार से घायल करके आग लगाकर तथा विष के प्रयोग द्वारा मूर्छित करके शत्रु के राष्ट्र में रहने वाले लोगों को पीड़ा दे, मंत्रियों तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों में कलह प्रारंभ करा दे। जो बुद्धिमान राजा राज्य का हित चाहे उस सदा युद्ध को टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए। नरेश्वर, बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद इन तीन उपायों से ही राजा के लिए धन की आय बताई है। इन उपायों से जो धन प्राप्त किया जा सके उसी से विद्वान राजा को संतुष्ट होना चाहिए। गुरुनंदन बुद्धिमान नरेश प्रजाजनों से उन्हीं की रक्षा के लिए उनकी आय का छठा भाग करके कर के रूप में ग्रहण करें। कर यानी टैक्स। मत, उन्मत्त आदि जो 10 प्रकार के दंडनीय मनुष्य हैं उनसे थोड़ा या बहुत जो धन दंड के रूप में प्राप्त हो उसे पूर्ववासियों की रक्षा के लिए सहसा ग्रहण कर ले। निसंदेह राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा को पुत्र और पौत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखे, परंतु जब न्याय करने का अवसर प्राप्त हो तब उसे स्नेहवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। राजा न्याय करते समय सदा वादी प्रतिवादी की बातों को सुनने के लिए अपने पास सर्वदर्शी विद्वान पुरुषों को बिठाए रखे, क्योंकि विशुद्ध न्याय पर ही राजा प्रतिष्ठित होता है। सोने आदि की खान, नमक अनाज आदि की मंडी, नाव के घाट तथा हाथियों के युद्ध, इन सब स्थानों पर होने वाली आय के निरीक्षण के लिए मंत्रियों को अथवा अपना हित चाहने वाले विश्वसनीय पुरुषों को राजा नियुक्त करे। भलीभांति दंड धारण करने वाला राजा सदा धर्म का भागी होता है। निरंतर दंड धारण किए रहना राजा के लिए उत्तम धर्म मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है। भरत नंदन राजा को वेदों और वेदांगों का विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी, सदा दानशील और यज्ञपरायण होना चाहिए। ये सारे गुण राजा में सदा स्थिर भाव से रहना चाहिए। यदि राजा का न्यायोचित व्यवहार ही लुप्त हो गया तो उसे कैसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और कैसे यश। बुद्धिमान पृथ्वीपालक नरेश जब किसी अत्यंत बलवान राजा से पीड़ित होने लगे तब उसे दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए। उस समय प्राप्त कर्तव्य पर विचार करने के लिए मित्र का आश्रय लेकर उनकी सलाह से पहले तो अपनी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था करें, फिर शाम, भेद अथवा युद्ध में से क्या करना है इस पर विचार करके उसके उपयुक्त कार्य करें। यदि युद्ध का ही निश्चय हो तो पशुशाला को वन में से उठाकर सड़कों पर ले आए, छोटे छोटे गांवों को उठा दे और उन सब शाखा नगरों कंबों में मिला दे। राज्य में धनी और सेना के प्रधान प्रधान अधिकारी हो अथवा जो मुख्य मुख्य सेनाएं हो उन सबको बारंबार सांत्वना देकर ऐसे स्थानों में रख दे जो अत्यंत गुप्त और दुर्गम हो। राजा स्वयं ही ध्यान देकर खेतों में तैयार हुई अनाज की फसलों को कटवा कर किले के भीतर रखवा ले। यदि किले में लाना संभव ना हो तो उन फसलों को आग लगाकर जला दे। शत्रु के खेतों में जो अनाज हो उन्हें नष्ट करने के लिए वही के लोगों में फूट डाले अथवा अपनी ही सेना के द्वारा वो सब नष्ट करा दे, जिससे शत्रु के पास खाद्य सामग्री का अभाव हो जाए। नदी के मार्गों पर जो पुल पड़ते हो उन सब को तुड़वा दे। शत्रु के मार्ग में जो जलाशय हो उनका सारा जल इधर उधर बहा दे। जो जल बहाया ना जा सके उसे दूषित कर दे, जिससे वो पीने योग्य ना रह जाए। तो ये कूटनीति है, ये बता रहे हैं। वर्तमान अथवा भविष्य में सदा किसी मित्र का कार्य उपस्थित हो तो उसे भी छोड़कर अपने शत्रु का आश्रय लेकर रहे जो राज्य की भूमि के
निकट का निवासी हो तथा युद्ध में शत्रु पर आघात करने के लिए तैयार रहता हो। जो छोटे छोटे दुर्ग हो जिनमें शत्रुओं के छिपने की संभावना हो, उन सबका राजा मूलाच्छेद करा डाले और देवालय संबंधी वृक्षों को छोड़कर अन्य सभी छोटे छोटे वृक्षों को कटवा दे। जो वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गए हो उनकी डालियां कटवा दे, परंतु देव संबंधी वृक्षों को सर्वदा सुरक्षित रहने दे, उनका एक पत्ता भी ना गिराए। नगर एवं दुर्ग के प्रकटों पर शूरवीर रक्षा सैनिकों के बैठने के लिए स्थान बनाएं, ऐसे स्थानों की प्रगंडी कहते हैं। ऐसे स्थानों को इन्हीं प्रगंडियों की एक पाख वाली दीवारों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए छोटे छोटे छिद्र बनाएं। इन छिद्रों को उनको आकाश जननी कहते हैं। उनके द्वारा तोपों से गोलियां छोड़ी जाती है। इन सब का अच्छी तरह से निर्माण कराएं। प्रकटों के बाहर बनी हुई खाई में जल भरवा दे और उसमें त्रिशूल युक्त खम्भे गड़वा दे तथा मगरमच्छ और बड़े बड़े मत्स्य भी डलवा दे। नगर में हवा आने जाने के लिए प्रकटों में संकरे दरवाजे बनाएं और बड़े दरवाजों की भांति उनकी भी सब प्रकार से रक्षा करें। सभी दरवाजों पर भारी भारी यंत्र और तोप सदा लगाए रखें और उन सबको अपने अधिकार में रखें। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले और कुएं खुदवाएं। जल पीने की इच्छा वाले लोगों ने पहले जो कुएं बनवा रखे हों उनको भी झरवा कर शुद्ध करा दें। घास भूस से छाए हुए घरों को गोली मिट्टी से चिपवा दे और चेतना का महीना आते ही आग लगाने के भय से नगर के भीतर से घास भूस हटवा दे। खेती से भी तृण आदि को हटा दे। राजा को चाहिए कि वो युद्ध के अवसरों पर नगर के लोगों को रात में ही भोजन बनाने की आज्ञा दे। दिन में अग्निहोत्र को छोड़कर और किसी काम के लिए कोई आग ना जलाए। लोहार आदि की भट्टियों में और सूती का गृहों में भी अत्यंत सुरक्षित रूप से आग जलानी चाहिए। आग को घर के भीतर ले जाकर ढक कर रखना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए ये घोषणा करा दे कि जिसके यहाँ दिन में आग जलाई जाती होगी उसे बड़ा भारी दंड दिया जाएगा। नरश्रेष्ठ, जब युद्ध छिड़ा हो तब राजा को चाहिए कि वो नगर से भिखमंगों, गाड़ीवानों, हिजड़ों, पागलों और नाटक करने वालों को बाहर निकाल दे, अन्यथा वे बड़ी भारी विपत्ति ला सकते हैं। राजा को चाहिए कि वो चौराहों पर, तीर्थों में, सभाओं में और धर्मशालाओं में सबकी मनोवृत्ति को जानने के लिए किसी शुद्ध वर्ण वाले पुरुष को, जो वर्ण संकरण ना हो, गुप्तचर उसे नियुक्त करे। प्रत्येक नगर को बड़ी बड़ी सड़कें बनवानी चाहिए और जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार जल क्षेत्र और बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए। गुरुनंदन युधिष्ठिर अन्न के भंडार, शस्त्रागार, योद्धाओं के निवास स्थान, अश्वशालाएँ, गजशालाएँ, सैनिक शिविर, खाई, गलियां और राजमहल के उद्यान, इन सब स्थानों को गुप्त रीति से बनवाना चाहिए जिससे कभी दूसरा कोई देख ना सके। शत्रुओं की सेना से पीड़ित हुआ राजा धन संचय तथा आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके रखे। घायलों की चिकित्सा के लिए तेल, चर्बी, मधु, घी, सब प्रकार के औषध, अंगारे, कुश, मूंछ, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझाए हुए बाणों का भी संग्रह कराए। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि शक्ति, सृष्टि और प्राश आदि सब प्रकार के आयुधों का बोझो तथा ऐसे ही अन्य आवश्यक वस्तु का संग्रह कराए। सब प्रकार के औषध, मूल फूल तथा विष का नाश करने वाले, घाव पर पट्टी रखने वाले, रोगों को निवारण करने वाले और कृत्य का नाश करने वाले, इन चार प्रकार के वैद्यों का विशेष रूप से संग्रह करें। साधारण स्थिति में राजा को नटों, नर्तकों, पहलवानों तथा इंद्रजाल दिखाने वालों को भी अपने यहाँ आश्रय देना चाहिए, क्योंकि ये राजधानी की शोभा बढ़ाते हैं और सबको अपने खेलों से आनंद प्रदान करते हैं। यदि राजा को अपने किसी नौकर से, मंत्री से, पूर्वाशियों से अथवा किसी पड़ोसी राजा से भी कोई संदेह हो जाए तो समुचित उपायों द्वारा उन सबको अपने वश में कर ले। राजेंद्र, जब कोई अभिष्ट कार्य पूरा हो जाए तो उसमें सहयोग करने वालों का बहुत से धन, यथायोग्य पुरस्कार तथा नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण मधुर वचनों के द्वारा सत्कार करना चाहिए। गुरुनंदन, राजा शत्रु को तोड़ना आदि के द्वारा
खिन्न करके अथवा उसका वध करके फिर उस वंश में हुए राजा का जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार दान मानादि द्वारा सत्कार करके उससे उत्तीर्ण हो जाए। गुरुनंदन, राजा को उचित है कि सात बंधुओं की अवश्य रक्षा करें। वे सात कौन हैं यह मुझसे सुनो। राजा का अपना शरीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर, ये राज्य के सात अंग हैं। राजा को इन सब का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। पुरुष सिंह, जो राजा छह गुण, तीन वर्ग और तीन परम वर्ग इन सब को अच्छी तरह जानता है, वही इस पृथ्वी का उपभोग कर सकता है। युधिष्ठिर, इनमें से जो छह गुण कहे गए हैं उनका परिचय सुनो। शत्रु से संधि करके राज्य से बैठ जाना, शत्रु पर चढ़ाई करना, बैर करके बैठे रहना, शत्रु को डराने के लिए आक्रमण का प्रदर्शन मात्र करके बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना और किसी दुर्ग या दुर्जय राजा का आश्रय लेना। जिन वस्तुओं को त्रिवर्ग के अंतर्गत बताया गया है उनको भी यहाँ एकाग्रचित होकर सुनो। खैस स्नान और खैस स्थान और बुद्धि, यही त्रिवर्ग है, तथा धर्म, अर्थ और काम, इनको परम त्रिवर्ग कहा गया है। इन सब का समयानुसार सेवन करना चाहिए। समय अनुसार राजा धर्म के अनुसार चले तो वो पृथ्वी का दीर्घकाल तक पालन कर सकता है। पिता पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, इस विषय में साक्षात बृहस्पति जी ने जो दो श्लोक कहे हैं उन्हें भी तुम सुनो। सारे कर्तव्य को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन तथा नगर एवं राष्ट्र की प्रजा का संरक्षण करने से राजा परलोक में सुख पाता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या से क्या लेना है, उसे यज्ञों का भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है, वह तो स्वयं ही संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता है। युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्राचार्य के कहे हुए कुछ श्लोक है उन्हें सुनो। राजा ने उन श्लोकों में जो भाव है वो दंड नीति तथा त्रिवर्ग का मूल है। भार्ग बांगीरस कर्म पोडसांग्य बल विषमाया देव और पुरुषार्थ, ये सभी वस्तुएं राजा की अर्थ सिद्धि के कारण हैं। राजा को चाहिए जिसमें पूर्व और उत्तर दिशा की भूमि नीची हो तथा जो तीनों प्रकार के त्रिवर्गों से परिपूर्ण हो, उस दुर्ग का आश्रय ले राजकार्य का भार बहन करें। षडवर्ग, पंचवर्ग, दस दोष और आठ दोष, इन सबको जीतकर त्रिवर्ग युक्त एवं दस वर्गों के ज्ञान से संपन्न हुआ राजा देवताओं द्वारा भी जीता नहीं जा सकता। राजा कभी स्त्रियों और मूर्खों से सलाह ना ले जिनकी बुद्धि देव से मारी गई है, तथा जो वेदों के ज्ञान से शून्य हैं उनकी बात राजा कभी ना सुने, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि नीति से विमुख होती है। जिन राज्यों में स्त्रियों की प्रधानता हो और जिन्हें विद्वानों ने छोड़ रखा हो, वे राज्य मूर्ख मंत्रियों से संतप्त होकर पानी की बूंदों के समान सूख जाते हैं। तो दोस्तों, ये था भीष्म पितामह का सोच स्त्रियों के बारे में, ठीक है। या फिर हो सकता है कि भीष्म पितामह जो भी कुछ कह रहे हैं वो किसी और से सुना होगा, किसी ऋषि से, या किसी उस समय पुरुषों का सोच ऐसा ही हुआ करता था, तो यही वो बोल रहे हैं। जो अपने विद्वता के लिए विख्यात हो, सभी कार्य में विश्वास के योग्य हो, तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके कार्य देखे गए हों, ऐसे मंत्रियों की ही बात राजा को सुननी चाहिए। देव पुरुषार्थ और त्रिवर्ग का आश्रय ले देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके युद्ध की यात्रा करने वाला राजा विजयी होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह दंड नीति तथा राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, इनमें से किसके क्या करने से कार्य सिद्धि होती है ये मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन भरत नंदन, दंड नीति से राजा और प्रजा के जिस महान सौभाग्य के उदय होता है उसका मैं लोक प्रसिद्ध एवं युक्ति युक्त शब्दों द्वारा वर्णन करता हूँ, तुम यथावत रूप से यहाँ उसे सुनो। यदि राजा दंड नीति का उत्तम रीति से प्रयोग करे तो वो चारों वर्णों को अपने अपने धर्मों में बलपूर्वक लगाती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोक देती है। इस प्रकार दंड नीति के प्रभाव से जब चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों में संलग्न रहते हैं, धर्म मर्यादा में संकीर्णता नहीं आने पाती
और प्रजा सब ओर से निर्भय एवं कुशल पूर्वक रहने लगती है, तब तीनों वर्णों के लोग विधिपूर्वक शास्त्र रक्षा का प्रयत्न करते हैं। युधिष्ठिर, इसी में मनुष्य का सुख निहित है, ये तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। काल राजा का कारण है अथवा राजा काल का, ऐसा संशय तुम्हें नहीं होना चाहिए। यह निश्चित है कि राजा ही काल का कारण होता है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरा पूरा एवं ठीक प्रयोग करता है, उस समय पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सतयुग का आरंभ हो जाता है। राजा से प्रभावित हुआ समय ही सतयुग की सृष्टि कर देता है। उस सतयुग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नाम निशान भी नहीं दिखाई देता और किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। उस समय प्रजा के योगक्षेम स्वत सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सभी ऋतुएँ सुखदायिनी और आरोग्य बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य के स्वर वर्ण और मन स्वच्छ और प्रसन्न होते हैं। इस जगत में उस समय रोग नहीं होते। कोई भी मनुष्य अल्पायु नहीं दिखाई देता, स्त्रियां विधवा नहीं होती है तथा कोई भी मनुष्य दीन दुखी नहीं होता है। पृथ्वी पर बिना जोते बोए ही अन्न पैदा होता है, औषधियाँ भी स्वतः उत्पन्न होती है। उनकी छाल पत्ते फल और मूल सभी शक्तिशाली होते हैं। सतयुग में अधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय केवल धर्म ही धर्म रहता है। युधिष्ठिर, इन सब को सतयुग के धर्म समझो। जब राजा दंडनीय नीति के एक चौथाई अंश को छोड़कर केवल तीन अंशों का अनुसरण करता है, तब त्रेतायुग आरंभ हो जाता है। उस समय अशुभ का चौथा अंश पुण्य के तीन अंशों के पीछे लगा रहता है। एक अवस्था में पृथ्वी पर जोतने बोने से ही अन्न पैदा होता है, औषधियाँ भी उसी तरह पैदा होती है। जब राजा दंड नीति के आधे भाग को त्याग कर आधे का अनुसरण करता है, तब द्वापर नामक युग का आरंभ हो जाता है। उस समय पाप के दो भाग पुण्य के दो भागों का अनुसरण करते हैं। पृथ्वी पर जोतने बोने से ही अनाज पैदा होता है, परंतु आधी फसल में ही फल लगते हैं, आधी मारी जाती है। जब राजा समुची दंड नीति का परित्याग करके अयोग्य उपायों द्वारा प्रजा को कष्ट देने लगता है, तब कलयुग का आरंभ हो जाता है। कलयुग में अधर्म तो अधिक होता है, परंतु धर्म का पालन कहीं नहीं देखा जाता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। शूद्र भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मण सेवा वृत्ति से। प्रजा के योग क्षेम का नाश हो जाता है और सब और वर्ण संकरणता फैल जाती है। वैदिक कर्म विधिपूर्वक संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं। प्राय सभी ऋतुएँ सुख रहित तथा रोग प्रदान करने वाली हो जाती है। मनुष्य के स्वर वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं। सबको रोग व्याधि सताने लगती है और लोग अल्पायु होकर छोटी अवस्था में ही मरने लगते हैं। इस युग में स्त्रियां प्राय विधवा होती है। प्रजा क्रूर हो जाती है। बादल कहीं कहीं पानी बरसाते हैं और कहीं कहीं भी धान उत्पन्न होते हैं। जब राजा दंड नीति से प्रतिष्ठित होकर प्रजा की भली भांति रक्षा करना नहीं चाहता, उस समय इस पृथ्वी के सारे रस ही नष्ट हो जाते हैं। राजा ही सतयुग की सृष्टि करने वाला होता है और राजा ही त्रेता द्वापर और चौथे युग कलि की सृष्टि का कारण है। सतयुग की सृष्टि करने से राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की सृष्टि करने से राजा को स्वर्ग तो मिलता है, परंतु वो अक्षय नहीं होता। द्वापर का प्रसार करने से वो अपने पुण्य के अनुसार कुछ काल तक स्वर्ग का सुख भोगता है, परंतु कलि की सृष्टि करने से राजा को अत्यंत पाप का भागी होना पड़ता है। तदनंतर वो दुराचारी राजा उस पाप के कारण बहुत वर्षों तक नरक में निवास करता है। प्रजा के पाप में डूबकर वह अपयश और पाप के फल स्वरूप दुख का ही भागी होता है। अतः विज्ञ क्षत्रिय नरेश को चाहिए कि वो सदा दंड नीति को सामने रखकर उसके द्वारा अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा करे और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करे। इसके द्वारा प्रजा के योगक्षेम सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग किया जाए तो वो बालक की रक्षा करने वाले माता पिता के समान लोक की सुंदर व्यवस्था करने वाली और धर्म मर्यादा तथा जगत की रक्षा में समर्थ होती है। नरश्रेष्ठ, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि समस्त प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं। राजा दंड नीति से युक्त हो, उसी के अनुसार चले, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अतः कुरुनंदन, तुम दंड नीति का आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो। यदि नीतियुक्त व्यवहार से रहकर प्रजा की रक्षा करोगे तो दुर्जय स्वर्ग को जीत लोगे।
नेक्स्ट राजा को यहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले 26 गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, आचार के ज्ञाता पितामह, किस प्रकार का आचरण करने से राजा यहलोक और परलोक में भी भविष्य में सुख देने वाले पदार्थों को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, दया और उदारता आदि गुणों से युक्त राजा जिन गुणों को आचरण में लाकर उत्कृष्ट लाभ कर सकता है, वे 26 प्रकार के गुण हैं। राजा को चाहिए कि वो इन 26 गुणों से संपन्न होने की चेष्टा करें। अब मैं क्रमशः उन गुणों का वर्णन करता हूँ। धर्म का आचरण करें किंतु कटुता ना आने दे। आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव ना छोड़ें। क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करें। मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए ही विषयों को भोगे। दीनता न लालाते हुए ही प्रिय भाषण करें। शूरवीर बने किंतु बढ़ चढ़कर बातें ना बनाएं। दान दे परंतु अपाप्त अपात्र को नहीं। साहसी हो किंतु निष्ठुर ना हो। दुष्टों के साथ मेल ना करें। बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा ना ठाने। जो राजभक्त ना हो ऐसे गुप्तचरों से काम ना ले। किसी को कष्ट पहुँचाए बिना ही अपना कार्य करे। दुष्टों से अपना अभिष्ट कार्य ना कहें। अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन ना करें। श्रेष्ठ पुरुषों से उसका धन ना छीने। निष्पुरुषों का आश्रय ना ले। अपराध की अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना ही किसी को दंड ना दें। गुप्त मंत्रणा को प्रकट ना करें। लोभियों को धन ना दें। जिन्होंने कभी अपकार किया हो उस पर विश्वास ना करें। ईर्ष्या रहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करें। राजा शुद्ध रहे किंतु किसी से घृणा ना करें। स्त्रियों का अधिक सेवन ना करें। शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करें परंतु अहितकर भोजन ना करें। उदंडता छोड़कर विनित भाव से माननीय पुरुषों का आदर सत्कार करें। निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करें। दम्भहीन होकर देवताओं की पूजा करें। आनंदित उपायों से धन संपत्ति पाने की इच्छा करें। हठ छोड़कर प्रीति का पालन करें। कार्य कुशल हो किंतु अवसर के ज्ञान से शून्य ना हो। केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सांत्वना या भरोसा ना दे। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ना करें। बिना जाने किसी पर प्रहार ना करें। शत्रुओं को मारकर शोक ना करें। अकस्मात किसी पर क्रोध ना करें तथा कोमल हो परंतु अपकार करने वालों के लिए नहीं। युधिष्ठिर, यदि इस लोक में कल्याण चाहते हो तो राज्य पर स्थिर रहकर ऐसा ही बर्ताव करो, क्योंकि इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा बड़ी भारी विपत्ति या भय में पड़ जाता है। जो राजा यथार्थ रूप से बताए गए इन सभी गुणों का अनुवर्तन करता है, वो इस जगत में कल्याण का अनुभव करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भीष्मपंत जी कहते हैं, जन्मजय पितामह शांतनु नंदन भीष्म का ये उपदेश सुनकर पांडवों से और प्रधान राजाओं से घिरे हुए बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने जैसा बताया था वैसा ही किया। नेक्स्ट चैप्टर, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन ही राजा का महान धर्म है, इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी प्रकार प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता में नहीं पड़ता और धर्म के विषय में अपराधी नहीं होता, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं संक्षेप से ही तुम्हारे लिए सनातन राजधर्म का वर्णन करूँगा। विस्तार से वर्णन आरंभ करूँ तो उन धर्मों का कभी अंत ही नहीं हो सकता। जब घर पर वेद व्रत परायण शास्त्रज्ञ एवं धर्मिष्ठ गुणवान ब्राह्मण पधारे, उस समय उन्हें देखते ही खड़े हो, उनका स्वागत करो, उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो और उनकी विधिपूर्वक अर्चन करके पूजा करो। तदनंतर पुरोहित को साथ लेकर समस्त आवश्यक कार्य संपन्न करो। पहले संध्या वंदन आदि धार्मिक कृत्य पूर्ण करके मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करने के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराओ और अर्थनीति एवं विजय के लिए उनके आशीर्वाद ग्रहण करो। भरत नंदन, राजा को चाहिए कि वो सरल स्वभाव से संपन्न हो, धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य को ही ग्रहण करे और काम क्रोध का परित्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है, वो मूर्ख ना तो धर्म को पाता है और ना धन ही उसके हाथ लगता है। तब लोभी और मूर्ख मनुष्यों को काम और अर्थ के साधन में ना लगाओ। जो लोभ रहित और बुद्धिमान हो उन्हीं को समस्त कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जो कार्य साधन में कुशल नहीं है तथा और काम तथा क्रोध के वश में पड़ा हुआ है, ऐसे मूर्ख मनुष्यों को
यदि अर्थ संग्रह का अधिकारी बना दिया जाए तो वो अनुचित उपाय से प्रजाओं को क्लेश पहुंचाता है, प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करके उचित शुल्क या टैक्स लेकर अपराधियों को आर्थिक दंड देकर तथा शास्त्र के अनुसार व्यापारियों की रक्षा आदि करने के कारण उनके दिए हुए वेतन लेकर उन्हीं उपायों और मार्गों से राजा को धन संग्रह की इच्छा करनी चाहिए। प्रजा से धर्मानुकूल कर ग्रहण करके राज्य का नीति के अनुसार विधिपूर्वक पालन करते हुए राजा को आलस्य छोड़कर प्रजा वर्ग के योग क्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। जो राजा आलस्य छोड़कर राग द्वेष से रही तो सदा प्रजा की रक्षा करता है, दान देता है तथा निरंतर धर्म एवं न्याय में तत्पर रहता है, उसके प्रति प्रजा वर्ग के सभी लोग अनुरक्त होते हैं। राजन, तुम लोभवश अधर्म मार्ग से धन पाने की कभी इच्छा न करना, क्योंकि जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं उनके धर्म और अर्थ दोनों ही अस्थिर और अनिश्चित होते हैं। राज्य से विपरीत चलने वाला राजा ना तो धर्म की सिद्धि कर पाता है और ना अर्थ की। यदि उसे धन मिल भी जाए तो वो सारा ही बुरे कर्मों में नष्ट हो जाता है। जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है वो अपने ही हाथों अपना विनाश करता है। जैसे दूध चाहने वाला मनुष्य यदि गाय का थन काट ले तो इससे वो दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्य में रहने वाली प्रजा का अनुचित उपायों से शोषण किया जाए तो उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। जो दूध देने वाली गाय की प्रतिदिन सेवा करता है वही दूध पाता है, इसी प्रकार उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। युधिष्ठिर, न्याय संगत उपाय से राष्ट्र को सुरक्षित रखते हुए उसका उपयोग किया जाए अर्थात कर के रूप में उससे धन लिया जाए तो वो सदा राजा के कोष की अनुपम वृद्धि करता है। जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर ही ये दुधारू गाय के समान पृथ्वी राजा के सज्जनों और दूसरे लोगों को सदा अन्न एवं सुवर्ण देती है। युधिष्ठिर, तुम माली के समान बनो, कोयला बनने वाले के समान ना बनो। माली वृक्ष की जड़ को खींचता और उसकी रक्षा करता है, तब उससे फल और फूल ग्रहण करता है, परंतु कोयला बनाने वाला वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है। उसी प्रकार तुम भी माली बनकर राज्य रूपी उद्यान को सींच कर सुरक्षित रखो और फल फूल की तरह प्रजा से न्योचित कर लेते रहो। कोयला बनने वाले की तरह सारे राज्यों को जलाकर भस्म ना करो। ऐसा करने के प्रजापालन में तत्पर रहकर तुम दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग कर सकोगे। यदि शत्रु के आक्रमण से तुम्हारे धन का नाश हो जाए तो भी संतनापूर्वक मधुर वाणी द्वारा ही ब्राह्मणेतर प्रजा से धन लेने की इच्छा रखो। भरतनंदन, धन संपन्न अवस्था की तो बात ही क्या है, तुम अत्यंत निर्धन अवस्था में पड़ जाओ तो भी ब्राह्मण को धनी देखकर उसका धन लेने के लिए तुम्हारा मन चंचल नहीं होना चाहिए। राजन, तुम ब्राह्मणों को सांत्वना देते और उनकी रक्षा करते हुए उन्हें यथाशक्ति यथायोग्य धन देते रहना, इससे तुम्हें दुर्जय स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। कुरुनंदन, इस प्रकार तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजाजनों का पालन करो, इससे परिणाम में सुखद पुण्य तथा चिरस्थायी यश प्राप्त कर लोगे। पांडुनंदन, युधिष्ठिर, तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजा का पालन करते रहो, जिससे युक्त रहकर तुम्हें कभी भी चिंता या पश्चाताप ना हो। राजा जो प्रजा की रक्षा करता है यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। समस्त प्राणियों की रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही महान धर्म है। इसलिए जो राजा प्रजा पालन में तत्पर रहकर प्राणियों पर दया करता है उसके इस बर्ताव को धर्मज्ञ पुरुष परम धर्म मानते हैं। राजा प्रजा की भय से रक्षा ना करने के कारण एक दिन में जिस पाप का भागी होता है उसका परिणाम उसे 1000 वर्षों तक भोगना पड़ता है, और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने के कारण राजा एक दिन में जिस धर्म का भागी होता है उसका फल वो 10000 वर्षों तक स्वर्गलोक में रहकर भोगता है। उत्तम यज्ञ के द्वारा गृहस्थ धर्म का, उत्तम श्रद्धा के द्वारा ब्रह्मचर्य का तथा श्रेष्ठ तप के द्वारा वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला पुरुष जितने पुण्य लोगों पर अधिकार प्राप्त करता है धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा उन्हें क्षण भर में पा लेता है। कुंतीनंदन, इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक धर्म का पालन करो, इससे
पुण्य का फल पाकर तुम भी चिंता में नहीं पड़ोगे। पांडुनंदन, धर्म पालन करने से स्वर्गलोक में तुम्हें बड़ी भारी सुख संपत्ति प्राप्त होगी। जो राजा नहीं है उन्हें ऐसे धर्म का लाभ मिलना असंभव है, इसलिए धर्मात्मा राजा ही ऐसे धर्म का फल पाता है। दूसरा नहीं, तुम धैर्यवान तो हो ही, ये राज्य पाकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो। यज्ञ में सोमरस द्वारा इंद्र को तृप्त करो और मनोवांछित वस्तु प्रदान करके सुवेदों को संतुष्ट करो। नेक्स्ट चैप्टर, राजा के लिए सदाचारी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता तथा प्रजापालन का महत्व। भीष्म जी ने कहा, राजन, राजा को चाहिए कि वो ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बनाए जो उसके सत्कर्मों की रक्षा करें और उसके असत्कर्मों से दूर रखे तथा जो उसके शुभ की रक्षा और अशुभ का निवारण करें। इस विषय में विद्वान लोग इला कुमार पुरुरुवा तथा वायु के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पुरुरुवा ने पूछा, वायुदेव, ब्राह्मणों की उत्पत्ति किससे हुई है? अन्य तीन वर्ण भी किससे उत्पन्न हुए हैं? तथा ब्राह्मण उन सब में श्रेष्ठ क्यों हैं? ये मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। तब पवन देव या वायु ने कहा, निःश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की तथा दोनों उरुओं से वैश्यों की सृष्टि हुई है। वर श्रेष्ठ, इसके बाद इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने दोनों पैरों से चौथे वर्ण शूद्र की रचना की। ब्राह्मण जन्मकाल से ही भूतल पर धर्मकोश की रक्षा के लिए अन्य सब वर्णों का नियंता होता है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर शासन करने वाले और दंड धारण में समर्थ दूसरे वर्ण क्षत्रियों को प्रजाजनों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। वैश्य धन धान्य के द्वारा इन तीनों वर्णों का पोषण करे और शूद्र शेष तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहे, ये ब्रह्मा जी का आदेश है। पुरुरुवा ने पूछा, वायुदेव, धन धान्य सहित यह पृथ्वी धर्मत किसकी है, ब्राह्मणों की या क्षत्रियों की? ये मुझे ठीक ठीक बताए। वायुदेव ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वान ऐसा मानते हैं कि उत्तम स्थान से उत्पन्न और ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता और अपना ही देता है। निश्चय ही ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जैसा बागदान के अनंतर पति के मर जाने पर स्त्री देवर को पति बनाती है, उसी प्रकार पृथ्वी ब्राह्मणों के बाद ही क्षत्रियों का पति रूप में वर्ण करती है। ये तुम्हें मैंने अनादिकाल से प्रचलित प्रथम श्रेणी का नियम बताया है। आपत्ति काल में इसमें फेरफार भी हो सकता है। यदि तुम अधर्म पालन के फलस्वरूप स्वर्गलोक में उत्तम स्थान की खोज कर रहे हो या चाहते हो तो जितनी भूमि पर तुम विजय प्राप्त करो वो सब शास्त्र और सदाचार से धर्मज्ञ संपन्न तपस्वी तथा सधर्म से संतुष्ट ब्राह्मणों को पुरोहित बनाकर सौंप दो, जो कि धनोत्पार्जन में आसक्त ना हो तथा जो सवर्तुभाव से परिपूर्ण अपनी बुद्धि के द्वारा राजा को सन्मार्ग पर ले जा सके। क्योंकि जो ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न विशुद्ध बुद्धि से युक्त और विनयशील होता है वो विचित्र वाणी बोलकर राजा को कल्याण के पथ पर ले जाता है। जो ब्राह्मणों का बताया हुआ धर्म है उसी को राजा आचरण में लाता है। क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला अहंकार शून्य तथा पुरोहित की बात सुनने के लिए उत्सुक उतने से ही सम्मान को प्राप्त हुआ विद्वान नरेश चिरकाल तक यशस्वी बना रहता है तथा पुरोहित उसके संपूर्ण धर्म का भागीदार होता है। इस प्रकार राजा के आश्रम में रहकर सारी प्रजा सदाचार परायण अपने अपने धर्मों में तत्पर और सब ओर से निर्भय हो जाती है। राजा के द्वारा भली भांति सुरक्षित हुए मनुष्य राज्य में जिस धर्म का आचरण करते हैं उसका एक चौथाई भाग राजा भी प्राप्त कर लेता है। देवता, मनुष्य, पितर, गंधर्व, नाग और राक्षस ये सबके सब यज्ञ का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु जहाँ कोई राजा नहीं है उन राज्य में यज्ञ नहीं होता है। देवता और पितर भी इस मत्यलोक से ही दिए गए यज्ञ और श्रद्ध से जीवन यापन करते हैं। अतः इस धर्म का योगक्षेम राजा पर ही अवलंबित है। जब गर्मी पड़ती है उस समय मनुष्य छाया में, जल में और वायु में सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार सर्दी पड़ने पर अग्नि और सूर्य के ताप से तथा कपड़ा ओढ़ने से उसे सुख मिलता है, परंतु अराजकता का भय उपस्थित होने पर मनुष्य को कहीं किसी वस्तु से भी सुख प्राप्त नहीं होता है।
साधारण अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का मन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में आनंद का अनुभव करता है, परंतु भयभीत मनुष्य को उन सभी भोगों में कोई सुख नहीं मिलता है। इसलिए जो अभिधान करने वाला है उसी को महान फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में प्राण दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। राजा इंद्र है, राजा यमराज है, राजा ही धर्मराज है, राजा अनेक रूप धारण करने वाला है, धारण करता है, और राजा ने ही इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। नेक्स्ट चैप्टर, विद्वान सदाचारी पुरोहित की आवश्यकता और ब्राह्मण और क्षत्रियों के मेल रहने से लाभ विषयक राजा पुरुरुभा का उपाख्यान। भीष्म जी बोले, राजन, राजा को चाहिए कि धर्म और अर्थ की गति को अत्यंत गहन समझकर अविलंब किसी ऐसे ब्राह्मणों को पुरोहित बना ले जो विद्वान और बहुश्रुत हो। राजन, जिन राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा और सलाह देने में कुशल होता है और जिनका राजा भी ऐसे ही गुणों से संपन्न धर्मपरायण और गुप्त बातों का जानने वाला होता है, उन राजा और प्रजाओं का सब प्रकार से भला होता है। उनके धर्म, अर्थ और काम तीनों की निश्चय सिद्धि होती है। युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्राचार्य के कहे हुए कुछ श्लोक है, उन्हें तुम सुनो। जिस राजा के पास पुरोहित नहीं है वो अपवित्र हो जाता है, जिसके पास पुरोहित नहीं है वो राजा राक्षसों, असुरों, पिशाचों, नागों, पक्षियों के तथा शत्रुओं का वध्य होता है। पुरोहित को चाहिए कि राजा के लिए जो सदा आवश्यक कर्तव्य हो, जो जो बड़े बड़े उत्पात होने वाले हो, जो अभिष्ट तथा मांगलिक कृत्य हो तथा जो अंतपुर में संबंध रखने वाले वृत्तांत हो, वो सब राजा को बताएं। राजा को प्रिय लगने वाले जो गीत और नित्य संबंधी कार्य हो, उनमें करने योग्य कर्तव्य का पुरोहित निर्देश करें, बलि वेश्य देव कर्म का संपादन करें। जो राजा अनुकूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है तथा राजशास्त्र की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका है, उससे भी श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिए। जो भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्तों और उत्पातों का रहस्य जानता हो तथा शत्रु पक्ष के विनाश की प्रणाली का भी जानकार हो, ऐसे श्रेष्ठतम पुरुष राजा का पुरोहित होना चाहिए। यदि राजा और पुरोहित धर्मनिष्ठ, श्रद्धेय और तथा तपस्वी हो, एक दूसरे के प्रति स्वाद रखते हो और समान हृदय वाले हो, तो वे दोनों मिलकर प्रजा की वृद्धि करते हैं तथा संपूर्ण देवता और पितरों को तृप्त करके पुत्र और प्रजा वर्ग को भी अद्भुतशील बनाते हैं। ऐसे ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय राजा का सम्मान करने से प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है, उन दोनों का अनादर करने से प्रजा का विनाश ही होता है। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वर्णों के मूल कहे जाते हैं। इस विषय में राजा पुरुरुवा और महर्षि कश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। युधिष्ठिर, तुम उसे सुनो। पुरुरुवा ने पूछा, महर्षि से, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों साथ रहकर ही सबल होते हैं, परंतु जब ब्राह्मण या पुरोहित किसी कारण से क्षत्रिय को छोड़ देता है अथवा जब राजा ब्राह्मण का परित्याग कर देता है, तब अन्य वर्ण के लोग इन दोनों में से किसका आश्रय ग्रहण करते हैं तथा दोनों में से कौन सबको आश्रय देता है? कश्यप ने कहा, राजन, श्रेष्ठ पुरुष इस बात को जानते हैं कि संसार में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियों से विरोध करता है, वहाँ क्षत्रियों का राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और लुटेरे दलबल के साथ आकर उस पर अधिक अधिकार जमा लेते हैं तथा वहाँ निवास करने वाले सभी वर्णों के लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जब क्षत्रिय ब्राह्मणों को त्याग देते हैं, तब उनका विद्याध्ययन आगे नहीं बढ़ता, उनके पुत्रों की भी वृद्धि नहीं होती, उनके यहाँ दही दूध का मटका नहीं महा जाता और ना वे यज्ञ ही कर पाते हैं। इतना ही नहीं, उन ब्राह्मणों के पुत्रों का विद्याध्ययन भी नहीं हो पाता। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को त्याग देता है, उनके घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती, उनके संतानें ना पढ़ती है और ना यज्ञ करती है, वे पदभ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगते हैं। वे दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय सदा एक दूसरे से मिलकर रहें, तभी वे एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय की उत्पत्ति का आधार ब्राह्मण। ये दोनों जातियाँ जब सदा एक दूसरे के अस्तित्व का रहती है, तब बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है तो सारा जगत मोहग्रस्त और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जैसे महान एवं अगाध समुद्र में टूटी हुई नौका पार नहीं पहुंच पाती, उसी प्रकार उस अवस्था में मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को कुशलपूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते हैं। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है और वो नष्ट होने लगती है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की यदि रक्षा की जाती है तो वो मधुर सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है।
और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो उससे निरंतर दुख के आंसुओं और पाप की वृद्धि होती है। वही ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरे के उपद्रव से विवश हो वेद की शाखा के श्रद्धा से वंचित होता है और उसके लिए अपने रक्षा चाहता है। वहाँ इंद्रदेव आदि यदि पानी बरसाए तो आश्चर्य की बात है, वहाँ प्राय वर्षा नहीं होती है तथा महामारी एवं दुर्भिक्ष आदि दुष्य उपद्रव आ पहुँचते हैं। जब पापात्मा मनुष्य किसी स्त्री अथवा ब्राह्मण की हत्या करके लोगों की सभा में साधुवाद या प्रशंसा पाता है तथा राजा के निकट भी पाप से भय नहीं मानता, उस समय क्षत्रिय राजा के लिए बड़ा भारी भय उपस्थित होता है। यह इलानंदन, जब बहुत से पापी पापाचार करने लगते हैं तब वे संहारकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। पापात्मा पुरुष अपने पापों द्वारा ही रुद्र को प्रकट करते हैं, फिर ये रुद्रदेव साधु और असाधु सब लोगों का संहार कर डालते हैं। पुरुरोबा ने कहा, कश्यप जी, ये रुद्रदेव कहाँ से आते हैं और कैसे हैं? इस जगत में तो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वध होता देखा जाता है, फिर ये रुद्रदेव किससे उत्पन्न होते हैं, ये सब बातें मुझे बताइए। कश्यप ने कहा, राजन, ये रुद्रदेव मनुष्यों के हृदय में आत्मा रूप में निवास करते हैं और समय आने पर अपने तथा दूसरे के शरीरों का नाश करते हैं। विद्वान पुरुष रुद्र को तूफानी हवा उत्पाद वायु के समान वेगवान कहते हैं और उनका रूप बादलों के समान बताते हैं। पुरुरुवा ने कहा, कोई भी हवा किसी को आवृत्त नहीं करती है, ना अकेले मेघ ही पानी बरसाता है, रुद्रदेव भी वर्षा नहीं करते हैं जैसे वायु और बादलों को आकाश में संयुक्त देखा जाता है। उसी प्रकार मनुष्यों को आत्मा मन इंद्रियों संयुक्त ही देखा जाता है और वो राग द्वेष के कारण मोहग्रस्त हो जाता है तथा मारा जाता है। कश्यप ने कहा, जैसे एक घर में लगी हुई आग प्रज्वलित हो आंगन और सारे गांवों को जला देती है, वैसी प्रकार ये रुद्रदेव किसी एक प्राणी के भीतर विशेष रूप से प्रकट हो दूसरे के मन में भी मोह उत्पन्न करता है, फिर सारे जगत का पुण्य और पाप से संबंध हो जाता है। पुरुरुवा ने पूछा, यदि पापियों द्वारा विशेष रूप से पाप और पुण्यात्माओं द्वारा विशेष रूप से पुण्य किए जाने पर पुण्य पाप से रहित आत्मा को भी दंड भोगना पड़ता है, तब किस लिए कोई पुण्य करे और किस लिए पाप ना करे? कश्यप ने कहा, पापाचार्यों के संसर्ग का त्याग ना करने से पापहीन धर्मात्मा पुरुषों को भी उनसे मेल जोल रखने के कारण उनके समान ही दंड भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, अतः विवेक की पुरुष को चाहिए कि वो पापियों के साथ किसी तरह भी संपर्क स्थापित ना करें। पुरुरोबा बोले, इस जगत में पृथ्वी तो पापियों और पुण्यात्माओं को समान रूप से धारण करती है, सूर्य भी भले बुरों को एक सा ही संताप देते हैं, वायु साधु और दुष्ट दोनों का स्पर्श करती है, पापी और पुण्य दोनों का, और जल पापी और पुण्यात्मा दोनों को पवित्र करता है। कश्यप ने कहा, राजकुमार, इस लोक में ही ऐसी बात देखी जाती है, परलोक में इस प्रकार का बर्ताव नहीं है। जो पुण्य करता है वो और जो पाप करता है वो दोनों जब मृत्यु के पश्चात परलोक में जाते हैं तो वहाँ उन दोनों की स्थिति में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। पुण्यात्मा का लोक मधुरतम सुख से भरा होता है, वहाँ घी के चिराग जलते हैं, उसमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है, वहाँ अमृत का केंद्र होता है। उस लोक में ना तो मृत्यु है, ना बुढ़ापा है और ना दुस्साहि कोई दुख है। ब्रह्मचारी पुरुष मृत्यु के पश्चात उसी स्वर्ग आदि लोकों में जाकर आनंद का अनुभव करता है। पापी का लोक नरक है, जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है, वहाँ प्रतिदिन दुख और अधिक से अधिक शोक होता है। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता और निरंतर अपने लिए शोक करता रहता है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में परस्पर फूट होने से प्रजा को दुष्य और दुख उठाना पड़ता है। इन सब बातों को समझ बूझ कर राजा को चाहिए कि वह सदा के लिए एक सदाचारी बहुतज्ञ पुरोहित बना ही ले। राजा पहले पुरोहित का वरण कर ले, उसके बाद अपना अभिषेक कराए। ऐसा करने से ही धर्म का पालन होता है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण यहाँ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वेदवेत्ता विद्वानों का यह मत है कि सबसे पहले ब्राह्मणों की ही सृष्टि हुई है, अतः ज्येष्ठ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर सबसे पहले ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। इसीलिए ब्राह्मण सब वर्णों का सम्माननीय और पूजनीय है। वही भोजन के लिए प्रस्तुत की हुई सब वस्तुओं को सबसे पहले भोगने का अधिकारी है। सभी श्रेष्ठ और उत्तम पदार्थ का धर्म के अनुसार पहले ब्राह्मण की सेवा निवेदित करना चाहिए। बलवान राजा को भी अवश्य ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण
क्षत्रियों को बढ़ाता है और क्षत्रिय ब्राह्मणों की उत्पत्ति क्षत्रियों से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। अतः राजा को विशेष रूप से सदा ही ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राजपुरोहित द्वारा ये अन्य सब लोगों का भी स्वामी होता है। नेक्स्ट चैप्टर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मेल से लाभ का प्रतिपादन करने वाला मुचुकुंद का व्याख्यान। भीष्म जी कहते हैं, राजन, राष्ट्र का योगक्षेम राजा के अधीन बताया जाता है, परंतु राजा का योगक्षेम पुरोहित के अधीन है। जहाँ ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा के अदिष्ट भय का निवारण करता है और राजा अपने बाहुबल से हिष्ट भय को दूर करता है, वह राज्य सुख से उत्तरोत्तर उन्नति करता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष मुचुकुंद और राजा कुबेर के सम्मान रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण किया करते हैं। कहते हैं, पृथ्वीपति राजा मुचुकुंद ने इस पृथ्वी को जीतकर अपने बल की परीक्षा लेने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई की। तब राजा कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। उस राक्षसों ने मुचुकुंद की सेना को कुचलना आरंभ किया। इस प्रकार अपनी सेना को मारी जाती देखकर शत्रुदमन राजा मुचुकुंद ने अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को इसके लिए उलाहना दिया। तब धर्मात्मा व श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने घोर तपस्या करके उन राक्षसों का विनाश कर डाला और राजा के लिए विजय पाने का मार्ग प्राप्त कर लिया। इसके बाद राजा कुबेर ने अपनी सेना को मरते देख राजा मुचुकुंद का दर्शन दिया और इस प्रकार कहा। कुबेर बोले, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहित की सहायता प्राप्त की थी, परंतु मेरे साथ यहाँ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया था। वे भोपाल भी अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा बलवान थे और मुझे सुख एवं दुख देने में समर्थ ईश्वर मानकर मेरे पास आते और मेरी उपासना करते थे। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ब्राह्मणों के बल पर इतना घमंड क्यों कर रहे हो? ये सुनकर मुचुकुंद कुपित हो उठे और धनाध्यक्ष कुबेर से ये न्यायुक्त रोष रहित तथा संभ्रमण शून्य वचन बोले, महाराज, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है। दोनों को स्वयंभू ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है। यदि उनका बल और प्रसन्न प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। ब्राह्मणों में सदा तप और मंत्र का बल उपस्थित होता है और शत्रुओं में अस्त्र और भुजाओ का अलकापते। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को एक साथ मिलकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप मेरी निंदा क्यों करते हैं? तब कुबेर ने पुरोहित सहित राजा मुचुकुंद से कहा, पृथ्वीपते, मैं ईश्वर की आज्ञा के बिना ना तो किसी को राज्य देता हूँ और ना भगवान की अनुमति के बिना दूसरे का राज्य छीनता ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। यद्यपि ऐसी ही बात है तो भी आज मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ। तुम मेरी दी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करो। इसके उनके ऐसा कहने पर राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार उत्तर दिया। मुचुकुंद बोले, राजाधिराज, मैं आपके दिए हुए राज्य को नहीं भोगना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूँ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा मुचुकुंद को बिना किसी घबराहट के इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में स्थित देख कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर क्षत्रिय धर्म का ठीक ठीक पालन करने वाले राजा मुचुकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस वसुधा का शासन किया। इस प्रकार जो धर्मज्ञ राजा पहले ब्राह्मणों का आश्रय लेकर उनकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वो बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीतकर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मणों को प्रतिदिन स्नान करके जल संबंधी कृत्य संध्या चंदन संध्या बंदन तर्पण आदि कर्म करने चाहिए और क्षत्रियों को सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु है वो सब इन्हीं दोनों के अधीन है। नेक्स्ट चैप्टर राजा के कर्तव्य का वर्णन, युधिष्ठिर का राज्य से विरक्त होना और भीष्म जी का पुनः राज्य की महिमा सुनाना।